है गाइस, स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और खतरनाक एपिसोड पार्ट 3 में। तो हमने पार्ट 2 में एक अच्छा सा घर बनाया था और हम पार्ट 3 में हम माइनिंग करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमें आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। माइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा खाना लेना पड़ेगा, तो मैं खाना कुक कर लेता हूँ और थोड़ी पिकेक्स और दो पिकेक्स ले लेता हूँ, एक स्वॉर्ड ले लेता हूँ और एक शॉवल भी ले लेता हूँ, दो स्वॉर्ड ले लेता हूँ क्योंकि एक टूट गई तो मैं इसमें नहीं, इसमें मैं पका हुआ खाना भी ले लेता हूँ, इसमें पका हुआ चिकन है वो भी ले लेता हूँ। तो अब हम माइनिंग के लिए चलते हैं। इस और मैंने एक केव देखी थी, तो मैं उस केव में जाने के बाद आप सबको मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैं केव में तो पहुँच गया, लेकिन मैं थोड़ी लकड़ियाँ ले लेता हूँ क्योंकि अंदर हम अगर टॉर्च हम बनाना चाहे तो हम अंदर टॉर्च बना सकते हैं ना, इसलिए हम लकड़ियाँ ले लेते हैं थोड़ी। मैं लकड़ियाँ ले कर उस केव में जाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होगा ना। तो गाइस, मैंने वुड कलेक्ट कर लिया है और अब मैं माइन में जाता हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है यहाँ पर, तो मैं पहले थोड़ा कोयला ढूंढ लेता हूँ और बाद में टॉर्चेस बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ अंधेरे में तो हम आयरन ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले कोयला ढूंढ लेता हूँ। कोयला भी आ रहे हैं, मैं सबसे पहले टॉर्च बना लेता हूँ। यहाँ है कोयला, मैं कोयला उठा लेता हूँ पिकेक से। मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है। तो मेरे पास 8 टॉर्च हो चुकी है, तो मैं यहाँ एक टॉर्च लगा देता हूँ। और यहाँ तो बहुत कोयला है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा कोयला उठा लेता हूँ, वे सारा उठा लूँगा मैं। यहाँ तो बहुत कोयला है, मैं सभी उठा लेता हूँ। यहाँ भी है, तो मैं आपको कोयला उठाने के बाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कोयला है। तो गैस, मैंने सारा कोयला कलेक्ट कर लिया है। यहाँ भी थोड़ा वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा पानी आ रहे हो, पानी बंद कर देता हूँ। ज़ॉम्बी नहीं आ रहे, मैं तो पानी बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टॉर्च भी लगा देता हूँ, यहाँ पानी क्यों नहीं बनो, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो पानी बंद हो चुका है और मैं सारा कोयला उठा लेता हूँ। और मैं अब कोयला उठाने के बाद आप सबको तो गाइज, मैंने
वहाँ से कोयला उठा लिया और यहाँ भी बहुत सारा है और थोड़ा यहाँ आयरन भी है, तो मैं सबसे पहले आयरन उठा लेता हूँ। और पिकेक्स टूट गई हमारी, तब मैं कोयला नहीं उठाऊंगा क्योंकि कोयले से अगर पिकेक्स टूट जाएगी तो हम आयरन कैसे कलेक्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं वापस ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ अंधेरा बहुत है, मैं टॉर्च लगा देता हूँ और यहाँ तो खड्डा है। तो मैं अब यहाँ से ऊपर चल तो मैं यहाँ से ऊपर आ गया और मैं यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ और आगे चलता हूँ। और यहाँ तो बहुत सारा कोयला है, मैं बाद में ज़रूर यहाँ पर कोयला उठाने आऊँगा। यहाँ भी आयरन है, यहाँ से आयरन ले लेता हूँ और पीछे एक स्पाइडर भी है। मैं आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं स्पाइडर को मारने जाऊँगा। लोगों ने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया और पीछे भी थोड़ा है वो भी कलेक्ट करता हूँ। और बाद में मैं थोड़ी और अंदर, शायद अब मुझे और अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं मर गया तो हमारे पास जो भी सामान है वो सब कुछ जाएगा। और हमने यहाँ बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है, तो फिर मैं यहाँ से अब वापस चलता हूँ। और मैं सामने दूसरी केव थी, इसी केव में जो दूसरा रास्ता था मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ से मैं वापस चलता हूँ, यहाँ बहुत सारा कोयला है और मैं कोयला लेने वापस ज़रूर आऊँगा। जब मेरे पास अच्छी पिकैक्स होगी तब मैं ज़रूर वापस आऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से दो ऊपर जाने के लिए, सामने जाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये उठा लेता हूँ और यहाँ स्टोन रख देता हूँ और यहाँ से मैं जंप कर कर चला जाता हूँ। अब मैं वो सामने वाली केव उसमें जाऊँगा और उससे पहले मैं थोड़ी टॉर्च बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास दो ही टॉर्च बची है, पर कोल और नीचे नीचे लकड़ियाँ स्टिक्स, तो फिर बन गई हमारी टॉर्च। तो अब मैं आगे जाता हूँ, यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ। यह हो गाइस, यहाँ तो बहुत सारा कोयला है सच में, अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना कोयला है। तो मैं यहाँ कोयला लेने ज़रूर वापस आऊँगा। अभी मैं इस ज़ोंबी को मार देता हूँ और ना मुझे मार देगा। ओ यहाँ अंदर आते ही कितना सारा आयरन है, तो सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं जब यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मेरे पास 70-80 तो आयरन हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ से कितने आयरन मिल रहे हैं। मैं वही सारा अंदर जाके कलेक्ट कर लेता हूँ और बाहर जाने का रास्ता बना लेता हूँ। मैं चलता हूँ बाहर, बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, ये आ गया। यहाँ पे आयरन है तो मैं सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गैस मैं सारा यहाँ का आयरन कलेक्ट कर ले और मैं आगे जाता हूँ। ओ गैस यहाँ पर भी आयरन है तो मैं ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ क्योंकि हमारी पिकेक्स बिल्कुल टूटने आई है, तो मैं नया एक पिकेक्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टिक बना लेता हूँ और अब क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। स्टिक नहीं बनाते, बाद में बना लेंगे, अभी मेरे पास स्टिक्स है। तो अब मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ और अब मैं सारा खुदा करके ऐसे चलता हूँ। तो मैं गाइस यहाँ बहुत सारा आयरन है, मैं आपको मिलता हुआ आयरन कलेक्ट करने के बाद। तो मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है और मैं अब यहाँ से थोड़ा आगे चल देता हूँ। यहाँ तो केव ख़त्म हो गई, तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और सारा कोयला कलेक्ट करके मैं इस केव से भी बाहर निकल जाऊँगा यहाँ से मैं वापस। तो अब मैं बाहर मिलता हूँ आपसे इस केव के बाहर निकलने के बाद।
तो गैस मैं थोड़ा कोयला भी यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, और कोयला कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँ, इस केव से बाहर निकल जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से थोड़ा कोयला कलेक्ट कर लेता हूँ। अब तो मैं अब कोयला कलेक्ट करने के बाद आप सबसे मिलता हूँ। तो गैस मैं भी केव से बाहर निकल चुका हूँ और मैं सारा कोयला कलेक्ट कर लिया, और बाहर कितने सारे ज़ॉम्बी है, यहाँ ज़ॉम्बी विलेजर भी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आसपास ज़रूर कोई विलेज होगा। तो मैं घर निकल लेता हूँ, यहाँ बहुत सारे स्पाइडर स्केलेटन और ज़ॉम्बीज है, ये मैं से बचता हुआ घर निकल लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ ज़ॉम्बी विलेजर भी है, तो ये रहा सामने मेरा घर। तो मैं घर पहुंच गया हूँ और अंदर चला जाता हूँ। मैं आयरन यहाँ रख देता हूँ। मैं सभी में थोड़े थोड़े आयरन डाल देता हूँ, तो जल्दी से आयरन आयरन हो जाएगा। मैं खा लेता हूँ। तो गाइस मैं सो गया था और सुबह हो चुकी है, तो अभी मैं और सारे आयरन निकाल लेता हूँ, जितने हो चुके हैं उतने ही वो सारे आयरन मैं निकाल लेता हूँ। मैं गलती से आयरन बाहर निकाल दिए, तो मैं आयरन ले वापस ले लेता हूँ। मेरे पास 21 आयरन हो चुके हैं और मैं सबसे पहले क्या बनाऊँ वो सोच रहा हूँ। घर में एक पेंटिंग भी बना रहा हूँ, क्योंकि खुद के साथ घर को भी डेकोरेट करना चाहिए। तो गाइस मैंने पूरे आयरन के कपड़े बना लिए हैं, साथ में एक पिकेक्स और एक्स और स्वॉर्ड भी बना ली। तो मैं घर को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ, और मैं कहाँ देखो मैंने पेंटिंग लगाई है, तो मैं थोड़े ब्लॉक और बना लेता हूँ ये वाले, और बनाकर मैं बाहर लगाने वाला हुए। मैंने आयरन के सभी कपड़े बना लिए हैं और एक एक्स भी बना ली है, पिकेक्स और स्वॉर्ड। तो मैं यहाँ पर वो ब्लॉक लगाने वाला हूँ। यहाँ पर वो ब्लॉक लगा देता हूँ, फिर देखते हैं हमारा घर कैसा लगता है। मेरा घर अच्छा लग रहा है, मैं और इस साइड भी मैं ऐसा ही कर देता हूँ। और अब मैं सारे ब्लॉक यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस अब हमारा घर बिल्कुल सही लग रहा है, हम बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर टोत नहीं लगानी है, गलती से लग गई, टोत निकाल लेता हूँ मैं। अब हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।